कहते हैं जिनके इरादे मजबूत हों उनकी कुछ कर गुजरने की ललक ही सब कुछ बयां कर देती है। ऐसे ही मजबूत इरादे और जुनून के साथ लैस है टीम इंडिया इस वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेटेस्टली, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को ऑकलैंड के ईडन पार्क मैदान पर खेले गए दूसरे T20 मैच में 7 विकेट के साथ शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 133 रनों का टारगेट दिया और भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजी में राहुल और श्रेयस ने शानदार पारी खेली और भारत की झोली में जीत डाल दी। राहुल ने अपना 11वां अर्धशतक पूरा किया और मैच में नाबाद रहे श्रेयस ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। तो दोनों टीमों के T20 रिकॉर्ड्स की बात करें तो टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में अब तक कुल 13 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जबकि 8 मुकाबले कीवी टीम ने अपने नाम किए हैं। वहीं दोनों देशों के बीच 1 मुकाबला रद्द रहा। इसके अलावा साल 2016 से अब तक सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम ही ऐसी टीम है जिसने टीम इंडिया को 3 द्विपक्षीय T20 सीरीज में मात दी है। तो टीम इंडिया ने पहली बार T20 में न्यूजीलैंड को लगातार 2 मैचों में शिकस्त दी है। अब टीम इंडिया के पास पहली बार न्यूजीलैंड में T20 सीरीज जीतने का मौका रहेगा। इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड में भारत सिर्फ 1 T20 मैच ही जीत पाया था। हालांकि T20 क्रिकेट में अभी भी कीवी टीम का पलड़ा जीत के हिसाब से भारी है, लेकिन टीम इंडिया इस वक्त जिस तरह की लय में देखी जा सकती है वो देख कर कहा जा सकता है कि ये टीम साल 2019 की तरह ही साल 2020 में भी कमाल करेगी। और अब बारी है सीरीज के तीसरे T20 मैच की जो 29 जनवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा। ज्यादा बातचीत करते हैं निषाद पाई वैद्य से। पहला सवाल आपसे, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली का प्रेशर कम कर दिया है, ये जो क्लिनिकल फिनिश देखने को मिल रही है इन दोनों से एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ा दी हैं इन दोनों खिलाड़ियों ने, मानेंगे क्या? एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ तो जरूर गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नंबर 4 का जो स्थान है उस पर काफ़ी चर्चा चल रही थी वर्ल्ड कप में जाते जाते, और फिर वर्ल्ड कप के बाद श्रेयस अय्यर आते हैं और लगातार परफॉर्मेंसेस देते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में नंबर 4 के स्थान पर। तो ऑब्वियसली वो अभी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं कि फाइनली भारत को एक ऐसा बल्लेबाज मिला है जो नंबर 4 के स्थान पर अपना काम कर सकता है। और केएल राहुल का मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनका जो हाल ही में कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस रही है इट्स बीन फेनोमिनल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अभी विकेट कीपिंग भी करनी शुरू की है और इसीलिए लोग उनसे काफ़ी खुश है। अभी आप 1 साल पहले देख लीजिए कि केएल राहुल कहाँ पर थे, उनका ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टूर काफ़ी ख़राब रहा, टेस्ट मैच में उनका फॉर्म नहीं था और फिर वो उनका टीवी शो का कंट्रोवर्सी हुआ था, वो टीम से बाहर भी हो गए थे, और 1 साल में जो बदलाव देखने मिला है सारे फैंस उससे खुश है। निशाद, मेरा अगला सवाल आपसे, जैसे कि इस मैच में हमने देखा कि लो स्कोरिंग गेम्स जो रहती हैं जहां पर रन चेजेस बहुत ही ट्रिकी हो जाते हैं, यहां पर आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलता चेज करने के लिए, लेकिन आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, टॉप ऑर्डर आपका नहीं चलता तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो इस प्रेशर को डील करने के लिए आने वाला जो T20 मैच है, अगर ऐसी ही परिस्थितियां बनती हैं तो टीम इंडिया को यही माइंडसेट के साथ खेलना चाहिए या फिर कंडीशंस को अडैप्ट करने में इनको टाइम लगेगा या फिर अडैप्ट करने में अपने आप ही ये टीम माहिर हो जाएगी? कंडीशंस तो चेंज होने से ज़रूर अडैप्टेबिलिटी आपको करनी पड़ती है, ये हैमिल्टन का अलग ग्राउंड है तो इसीलिए अभी उन्हें थोड़ा और अडाप्ट करना पड़ेगा। मगर रही बात अगर छोटे टारगेट्स की, तो मैं ये कहूँगा कि कई बार ऐसे होता है कि आपने अगर ऑपोजिशन को एक छोटे स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट किया हो और फिर आप उसे जाकर चेस कर रहे हो और फिर शायद आप सोच रहे हैं कि ये मैच तो हम काफ़ी आसानी से जीत जाएंगे, ये कभी मनोबल हो जाता है, साइकोलॉजिकली वो रह जाता है बैकग्राउंड में, पर 1-2 विकेट गए फिर आप ये सोचने लगते हो कि अभी थोड़ा केयरफुल होना है, क्या पता अगर हम मैच हार जाए तो क्या लोग कहेंगे, तो ऐसे थॉट्स आ जाते हैं माइंड में, इसीलिए वो छोटे रन चेसेस ट्रिकी होते हैं। मगर अगर आप उसे नॉर्मली अप्रोच करें जैसे केएल राहुल ने किया, श्रेयस अय्यर ने किया, तो वो काफ़ी आसानी से हो जाते हैं चेस। निशाद, जाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त प्रेशर में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इस टीम में कोई बदलाव आप अगले मैच में देख रहे हैं तीसरे T20 के लिए, और बोल्ट और लॉकी को शायद ये टीम इस वक्त काफ़ी मिस कर रही होगी। शगुफ्ता, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन उनके मेन गेंदबाज है वनडे फॉर्मेट या T20 फॉर्मेट में,
मगर टिम साउदी जो है वो काफ़ी टाइम से बेंच पर रहते थे वनडे क्रिकेट में, फिर अभी हाल ही में वो वापस आए हैं T20 फॉर्मेट में। इनफैक्ट वर्ल्ड कप में वो ऑलमोस्ट द होल टाइम बेंच पर थे, पर साउदी ने अपना क्लास दिखाया सेकंड T20 इंटरनेशनल में और ये बताया कि वो जेन्युइनली अच्छे बॉलर है, तो उन पर काफ़ी डिपेंडेंस है। बाकी अगर देखेंगे तो वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है हाईएस्ट लेवल पर जैसे कि ब्लेयर टिकनर हो या हेमिश बेनेट हो, तो मेन फोकस मेरे ख्याल से अभी सऊदी पर ही है। निशात, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि केन विलियमसन को अपने स्पिनर्स पर मिडिल ओवर्स के लिए थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा? केन विलियमसन की जो पारियां रही है इन दो T20 इंटरनेशनल में वो काफी कॉन्ट्रास्टिंग रही है। अगर आप पहला T20 इंटरनेशनल देखेंगे तो उन्होंने वो स्पिनर्स पर दबाव जरूर डाला, पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पिच थी पहले मैच में वो पिच जरूर बैटिंग के लिए और सूटेबल थी। सेकंड मैच में वो थोड़ी और स्लो हो गई, ग्राउंड तो वही था, सब कह रहे थे कि और सिक्सेस पड़ेंगे और बड़ा स्कोर बन सकता है, मगर नहीं हुआ क्योंकि वो सेम पिच यूज़ की गई और वो पिच स्लो थी। तो ऐसे ऑफ डेज होते हैं क्लास प्लेयर्स के भी, तो मेरे ख्याल से केन विलियमसन जानते हैं कि उन्हें क्या करना है अगले मैच में। निशाद, एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ, या फिर ट्विटर पर भी ये चीज़ ट्रेंड कर रही थी कि शार्दुल ठाकुर की जगह नवदीप सैनी को टीम में लाया जाना चाहिए, तो ये बदलाव आप देख रहे हैं क्या? ये तो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि नवदीप सैनी को आप खिलाओ, क्योंकि सैनी ऐसे बॉलर है कि वो पेस है उनके पास और उसके वजह से वो थोड़ा एक एक्स्ट्रा डिमेंशन बढ़ जाता है। अभी मेरे ख्याल से जैसे इंडियन टीम की साइकोलॉजी है तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई चेंज करेंगे, क्योंकि वही विनिंग कॉम्बिनेशन शायद रिटेन होगा। मगर और एक तौर पर ये इंडियन टीम कभी सरप्राइज भी करती है क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर, पर इफ़ यू आस्क मी मुझे लगता है कि वही टीम खेलेगी थर्ड T20 इंटरनेशनल में। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जैसे कहते हैं ना कि इट्स जस्ट अ गेम, सो गेम में सामने वाली टीम को कभी भी आपको हल्के में तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगले T20 के लिए आपको क्या लगता है कि प्रेडिक्शन जो है वो 3-0 होनी चाहिए? जी, ये बिल्कुल डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि अभी तो हम नए ग्राउंड में जा रहे हैं। हैमिल्टन जैसे मुंबई और पुणे में डिस्टेंस है, वैसे ही ऑकलैंड और हैमिल्टन में डिस्टेंस है, मगर जो ग्राउंड है वो बिल्कुल अलग है। मैं वहाँ गया था हैमिल्टन के ग्राउंड में और वहाँ पर हमने देखा है कि वो काफ़ी इवन ग्राउंड है, ऐसा कोई अलग शेप नहीं है, मगर बाउंड्रीज वहाँ पर भी छोटे हैं। तो ये कहना ज़रूर मुश्किल है कि कौन जीतेगा, कौन जाएगा और अपना एडवांटेज दिखाएगा, मगर ज़रूर भारत फेवरेट्स है क्योंकि उनकी 2-0 की बढ़त है सीरीज़ में। पर न्यूजीलैंड को आप काउंट आउट नहीं कर सकते, उनके पास काफ़ी क्लास प्लेयर्स हैं पर्टिकुलरली बैटिंग में, तो आप एक उनसे फाइट बैक ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच निशाद इस पूरे अपडेट के लिए। क्रिकेट की दुनिया की पूरी जानकारी के लिए आप देखते रहिए लेटेस्टली। थैंक यू सो मच।